नमस्कार, फिल्मी शंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज पेश कर रहे बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की फिल्मी बायोग्राफी। जानते हैं अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय के लिए मशहूर ऐश्वर्या राय की गिनती बॉलीवुड के टॉप अभिनेत्रियों में की जाती है। अपनी गहरी नीली आंखों और मनमोहक मुस्कान से करोड़ों फिल्मी दर्शकों को दीवाना बना देने वाली अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को मंगलोर में हुआ। बचपन में ऐश्वर्या ने 5 साल तक क्लासिकल डांस और संगीत की ट्रेनिंग ली। ऐश्वर्या राय की प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 7 तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुई। बाद में उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। मुंबई में उन्होंने सांता क्रूज स्थित आर्य विद्या मंदिर और बाद में डीजी रूपारेड कॉलेज माटुंगा में पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफर आने लगे थे। कई टेलीविजन विज्ञापन में दिखाई देने के बाद उन्होंने मिस इंडिया पेजेंट में भाग लेने का मन बनाया। ऐश्वर्या राय ने जब मिस इंडिया के लिए नॉमिनेशन किया था उनके नाम की गजब चर्चा हुई। सुष्मिता सेन ने भी खुलासा किया था कि जब उन्होंने ये सुना कि ऐश्वर्या आ रही है इस बार मिस इंडिया पेजेंट में पार्ट लेने के लिए, पहली बार तो वो बिना फॉर्म भरे ही वापस लौट गई थी। हालांकि इस प्रतियोगिता में ऐश्वर्या राय दूसरे स्थान पर आई और सुष्मिता सेन पहले नंबर पर। 1994 में ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर भारत देश का मान बढ़ाया। उनके पास फिल्मों के भी ऑफर आने लगे। अभिनय की शुरुआत उन्होंने साल 1997 में तमिल फिल्म इरुवर से की। उनकी पहली हिंदी फिल्म और प्यार हो गया थी उनकी पहली कमर्शियल सफल फिल्म जींस रही और प्यार हो गया में ऐश्वर्या को बेस्ट न्यू कमर अवार्ड भी मिला था। ऐश्वर्या राय ने ताल, हमारा दिल आपके पास है, हम दिल दे चुके शरम, मोहब्बत है, देवदास, धूम टू, जोधा अकबर, गुजारिश और ये दिल है मुश्किल जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। ऐश्वर्या ने बॉलीवुड में ऐसा नाम कमाया जिसके लिए ज्यादातर अभिनेता मरती है। 90 के दशक के अंत में सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक दूसरे के नजदीक आए। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। फिल्म में उनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था। सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक समय पर रिलेशनशिप में थे। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला और दोनों ने 2001 में अलग होने का फैसला किया। हालांकि इनका ब्रेकअप सामान्य नहीं था। ऐसी खबरें आई थी कि ब्रेकअप के वक्त सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच काफी झगड़ा हुआ था। उनकी ब्रेकअप की कहानी भी किसे छिपी नहीं। 2002 में ब्रेकअप के समय ऐश्वर्या ने सलमान पर काफी तीखे आरोप लगाए। ऐश्वर्या का कहना था कि सलमान ने उन्हें फिजिकली और मेंटल रूप से टॉर्चर किया। उन्होंने ये भी कहा था कि वो आने वाले समय में कभी भी सलमान खान के साथ काम नहीं करेगी। हालांकि सलमान ने हमेशा इन बातों को खारिज किया। ऐश्वर्या राय कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। साल 2004 में उन्होंने गुरुदेव चड्ढा द्वारा निर्देशित अपनी पहली अंग्रेजी फिल्म प्राइड एंड प्रेजुडियस की। ऐश्वर्या राय विश्व प्रसिद्ध मैडम तुषार के मोम संग्रहालय में मोम में अमर होने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। ऐश्वर्या राय अक्सर फिल्मों में बोल्ड सीट देने से पहले परहेज करती नजर आती है, लेकिन साल 2006 में उन्होंने फिल्म धूम में रुतिन रोशन के साथ किसिंग सीन दिया जिस पर काफी विवाद हुआ। इसके लिए ऐश्वर्या को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के बीच नजदीकियां बढ़ी। इससे पहले भी दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन फिल्म गुरु की शूटिंग के वक्त दोनों को एक दूसरे को करीब से जानने का मौका मिला। 20 अप्रैल 2007 को अभिषेक ऐश्वर्या की शादी बच्चन फैमिली के बंगले प्रतीक्षा में हो गई। उनको एक बेटी आराध्या भी। साल 2015 में ऐश्वर्या राय ने फिल्म जज्बात से फिल्माघर में वापसी की, लेकिन यह फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप रही। साल 2016 में फिल्म सरबजीत ने उन्हें बेहतरीन अदाकारा के तौर पर फिर से स्थापित किया। इस साल एक और फिल्म आई, ए दिल है मुश्किल। इस फिल्म में ऐश्वर्या के साथ अनुष्का कपूर और रणबीर कपूर भी थे। ऐश और रणबीर कपूर के बोल्ड सीन ने काफी सुर्खियां भी बटोरी। ऐश्वर्या को लोगों ने ऐसे अंदाज में देखा जो पहले कभी दिखाई नहीं दी। फिल्म बॉक्स ऑफिस में सबसे बड़ी हिट साबित हुई। ऐश्वर्या बच्चन साल 2022 में मणिरत्नम की तमिल ऐतिहासिक ड्रामा पोनियम सेल्वन 1 में नजर आई है।
पोनियम सेल्वन, जिसे सन ऑफ पोनी के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में एक भविष्य की महाकाव्य ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है, जिसका स्क्रीन प्ले मणिरत्नम, एलंगो कुमार वेल और बी जन जय मोहन ने मिलकर लिखा था। इसकी दूसरी किस्त PS 2/7/2023 को 28 अप्रैल को सिनेमाघर में रिलीज हुई। ऐश्वर्या राय को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 7/2009 में पद्मश्री मिला। अप्रैल 2023 तक वह तब्बू, काजल और प्रियंका चोपड़ा के साथ इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली बहुत कम भारतीय अभिनेत्रियों में से एक बनी हुई है। ऐश को 11 नामकों में से हम दिल जुके सनम और देवदास के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले हैं और कई बार स्क्रीन अवार्ड्स और आईफा पुरस्कार समारोह और अन्य में उनके ऑन स्क्रीन प्रदर्शन के लिए अवार्ड मिल चुके हैं। ऐश्वर्या को 2003 के कान फिल्म समारोह के जूरी मेंबर के तौर पर नियुक्त किया गया। वह महोत्सव में जूरी सदस्य के रूप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। दोस्तों, बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की फिल्मी बायोग्राफी का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।